रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल अपना विलेज टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं हाफिज़ औरंगज़ेब। काफ़ी देर बाद हम आपके साथ ट्यूबवेल की वीडियो शेयर कर रहे हैं। कुछ एक हमारी वीडियो थी, पहली हमने हुंडा 125 के साथ ट्यूबवेल का पानी जो है ना वो बाहर निकाला था, और चंद दोस्तों की गलत फहमी थी कि ये फेक है। उनकी गलत फहमी दूर करने के लिए आज हम ये नई वीडियो बना रहे हैं। आप मेरी पीछे तरफ देख सकते हैं, इधर किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम नहीं है। ये ट्यूबवेल लगे हुए हैं या सात पीटर इंजन लगे हुए हैं। ये आप मेरे इस साइड पे भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीटर इंजन लगे हुए हैं। अगर इधर इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम होता तो ज़रूर लोग मोटर वगैरह लगाते। इधर किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम नहीं है, और ना ही इसके कि नीचे कोई मोटर वगैरह फिट की हुई है। ये हमारा 125 आज हम इसके साथ 2015 मॉडल नंबर है। इसके साथ हम इस ट्यूबवेल का पानी निकालेंगे इंशाल्लाह, और आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, हम मोटरसाइकिल को इस तरीके से इसके साथ फिट करेंगे। ये दो पुलियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ये एक फ्री पुली है और दूसरी जॉइंट पुली है, जो इसके अंदर जो फिरकी लगी हुई है उसे घुमाती है और पानी बाहर निकालती है। हम मोटरसाइकिल के व्हील को इस पुली पर रख के दूसरा गियर लगा के क्लच छोड़ेंगे, और ये पुली जो है ना ऐसे घूमेगी और पानी इंशाल्लाह बाहर निकलेगा। अभी मैं इसको फिट करने लगा हूँ। रख, चलो फ्रेंड्स, इस पुली के ऊपर हमने रख लिया। ये फ्री पुली है और ये जॉइंट पुली है। जॉइंट पुली के ऊपर हमने व्हील रखा है, और मोटरसाइकिल के फ्रंट टायर के आगे हमने ये स्पोर्ट लगा दी है ताकि गाड़ी आगे ना आ सके। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे और दूसरा गियर लगा के इसका पानी इंशाल्लाह बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हुई है कि ये जो पुली थी ना, ये थोड़ी इसकी ऊंचाई थी ज़्यादा, जिसकी वजह से तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इधर किसी भी ट्यूबवेल का पानी जो है ना इस तरह से निकल जाता है। तो 40 से 42 फुट इसका बोर आता है, तो पानी इधर से आसानी से निकल जाता है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।